हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के अंदर एवरेज इफ, सम इफ, एवरेज आईएफएस, सम आईएफएस एंड काउंट आईएफएस कैसे यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर। तो इससे पहले तो मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, या फिर आप सीधे सीधे www.youtube.com/informationfinder इस लिंक से भी इस चैनल को आप फाइंड कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक्सेल के अंदर एवरेज इफ और आईएफएस, सम इफ और सम आईएफएस एंड काउंट आईएफएस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, एवरेज इफ और सम इफ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें एक डाटा तैयार करना पड़ेगा इस तरह का, जिसके अंदर आपको सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड दिखाना है, डेज दिखाना है और पर्सन नेम लेना है, आपको ब्रांड लेना है और अमाउंट लेना है। अब इसमें से अगर मुझे सर्च करना हो कि विनोद नाम का जो एम्प्लॉई है वो इन अमाउंट के अंदर से जितने भी उसने सेल की है उसका एवरेजन अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एवरेज इफ का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर फार्मूला पुट कर सकते हो, इक्वल ए वी ई आर एवरेज इफ। अब आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है तो आप रेंज इस टाइप में सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल डाटा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पर क्राइटेरिया शो हो रहा है तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर पर्सन नेम सेलेक्ट करना है या फिर एम्प्लॉई नेम सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप कोमा पुट करते हो यहाँ पर एवरेज रेंज शो हो गया है तो आपको यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करना है। इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। इस तरीके से, और यहाँ पर एवरेज रेंज में आपको ये सेलेक्ट करना है, जितना भी उनका अमाउंट है आपको शो हो रहा है इन सब को सेलेक्ट करना है, उसके बाद देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो विनोद नाम का पर्सन है इसमें एवरेजन अमाउंट उसका 8737 शो हो गया है। इसी प्रकार आप चाहते हो कि इस डाटा के अंदर से जो विनोद नाम का पर्सन है उसका जितना भी आइटम, जितने भी ब्रांड उसने बेचे हैं और उसका जितना भी आइटम है सिर्फ वही और उन्हीं का सम होकर यहाँ पर आ जाए, या फिर उनका सम हमें पता लग जाए कि विनोद, ये जो जितने भी आइटम है इसमें से विनोद नाम का जो पर्सन है उसने कितनी सेल की है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा सम इफ, और यहाँ पर आपको पुट करना है इक्वल सम इफ, और यहाँ पर आपको फिर से रेंज सेलेक्ट करना है
इस टाइप में कोमा। अब यहाँ पर क्रिटेरिया आपको शो हो रहा है, तो क्रिटेरिया में आपको एनी पर्सन नेम सेलेक्ट करना है जिसका आपको डाटा फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको सम रेंज देना है, अमाउंट सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हो, तो सिर्फ विनोद नाम का जो पर्सन है उसका जितना भी अमाउंट है उन सब का कैलकुलेशन सम कर कर आपको यहाँ शो कर देता है। इसी तरह से आप देखना चाहते हो कि इसमें जो विनोद नाम का पर्सन है इस डाटा के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर आप एक 1 वीक के अंदर कितनी बार वो सेल कर रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है इक्वल काउंट इफ। अब आपको यहाँ पर रेंज डिफाइन करना है इस टाइप में। रेंज डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर क्राइटेरिया देना है विनोद को, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की करते हो यहाँ पर शो कर देता है कि विनोद 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस डिवाइड बाय 8, तो आप देख सकते हो एवरेज कि विनोद नाम का जो एम्प्लॉय है उसका एवरेज सेम आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर एम्प्लॉय के साथ साथ एक ब्रांड नेम भी दे दिया जाए, तो उसके बाद हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एवरेज कितना है, सम इफ कितना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पर्सन नेम डिफाइन कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर आइटम नेम डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पर आपको फार्मूला पुट करना है एवरेज IFS का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला पुट करना है इक्वल AVE एवरेज IFS। अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर एवरेज रेंज देना है, तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिखाई दे रहे हैं इनको आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद कोमा, यहाँ पर आप देख रहे हो क्राइटेरिया रेंज 1 शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ऑल पर्सन नेम शो करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्राइटेरिया 1 शो हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पर्सन नेम सेलेक्ट करना है। तो बट फिलहाल हमने यहाँ पर पर्सन नेम नहीं दिया हुआ, तो पर्सन नेम फर्स्टली डिफाइन कर लीजिए। तो जैसे पर्सन नेम दिया हमने विनोद, और आइटम दिया है हमने सैमसंग। अब आप यहाँ पर फार्मूला पुट कर सकते हो इक्वल एवरेज IFS, एवरेज रेंज दे रहा है, तो इसमें आपको ये अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर ऑल पर्सन सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर क्राइटेरिया 1 शो करना है, तो यहाँ पर आपको पर्सन नेम सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आपको क्राइटेरिया टू के अंदर ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्राइटेरिया टू शो हो रहा है, यहाँ पर आपको आइटम नेम सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको एवरेज ऑल अमाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऑल पर्सन सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया वन के अंदर आपको पर्सन नेम सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया रेंज टू के अंदर आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है और क्राइटेरिया टू के अंदर आपको आइटम नेम सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि विनोद नाम का जो पर्सन है और वो आइटम बेच रहा है सैमसंग का, तो उनका एवरेजन अमाउंट इतना शो हो रहा है आपके पास। इसी तरह से आपको सम इफ निकालना है कि जो विनोद नाम का जो पर्सन है वो सैमसंग आइटम बेच रहा है तो उसका टोटल सम कितना होगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, सम IFS और यहाँ पर सम रेंज सेलेक्ट करना है, तो इसमें ऑल अमाउंट को सेलेक्ट कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज वन हाईलाइट हुआ है तो इसमें हम ऑल पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे कोमा। अब यहाँ पर आपको क्राइटेरिया वन हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ पर हम पर्सन सेलेक्ट करेंगे। अगेन क्राइटेरिया रेंज टू सेलेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर ब्रांड नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्राइटेरिया टू हाईलाइट हुआ है तो हम यहाँ पर आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमें सम निकालना है, देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि जो विनोद नाम का पर्सन है और सैमसंग नाम का आइटम बेच रहा है उन सब का टोटल इतना अमाउंट ये शो कर रहा है। आपको यहाँ पर सम IFS फार्मूला यूज करना है। हम देखना चाहते हैं कि जो विनोद नाम का जो पर्सन है वो कितनी बार हफ्ते में सेल कर रहा है, तो हम लगाएंगे यहाँ इक्वल टू काउंट IFS। यहाँ पर क्राइटेरिया वन मांग रहा है तो आपको यहाँ पर ऑल पर्सन सेलेक्ट करना है कोमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया वन है तो आपको यहाँ पर्सन नेम देना है। फिर से यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज टू सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आइटम नेम सेलेक्ट करना है, देन एंटर। तो ये तुरंत बता देगा कि ये वीक में 5 डेज सेल कर रहा है। तो इसी तरह से आप देख चेक कर सकते हो, डिवाइड बाय 5 तो आप का जो एवरेज IFS बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी डाटा के अंदर एवरेज इफ, सम इफ, एवरेज IFS, सम IFS या काउंट इफ, काउंट IFS इस्तेमाल कर सकते हो और डाटा को सॉर्ट करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।